वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज एक ऐसी रेमेडी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, किसी भी एज में आप उसका यूज कर सकते हैं। छोटे से लेकर बड़े तक के लोग अपने बालों को उसे लगाकर नेचुरल तरीके से काला कर सकते हैं। आपने अगर मार्केट की केमिकल की डाई लगाई है तब भी आप उस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी सारे लोगों का कमेंट आता है, मैम हमारे जो है व्हाइट हेयर आना स्टार्ट हुए हैं, व्हाइट हेयर के लिए कोई अच्छी सी रेमेडी बता दीजिए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सारी रेमेडी बहुत अच्छी है, जो आपको सूट करती है, जो आपको अच्छी लगती है, जो सामान आपके पास है वो रेमेडी आप अपने बालों में लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे। तो फ्रेंड्स आज बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, एक ऐसी रेमेडी आपसे शेयर पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगती है, जो जो सोशल ऐप आप इस्तेमाल करते हो वहाँ जरूर से शेयर कर दिया करें। रेमेडी आप जो है कांच के बॉयल में बनाइए, आपको स्टील का बर्तन नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा आपको कांच का ही बर्तन लेना है। तो इस तरीके से मैंने एक बॉयल ले लिया। अब मैं इसके अंदर फर्स्ट इंग्रेडिएंट डालूंगी, नील पत्ती का पाउडर। फ्रेंड्स मैंने जो लिया है फर्स्ट इंग्रेडिएंट लिया है नील पत्ती का पाउडर। इस तरीके से नील पत्ती जो है, जैसे आपने मेहंदी की पत्तियां देखी होंगी ऐसी ही नील पत्तियां होती है। ये हमारे बालों को कवर आउट करती है, हमारे बालों को कलर देने का काम करती है। सफेद बाल आपके जो है काले होना स्टार्ट हो जाते हैं इसे लगाने के बाद, आपके बालों को में ये कलर देती है। पर मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके बाल मेहंदी से बहुत ज्यादा ऑरेंज या रेड है उस पर भी बहुत अच्छे से ये काम करती है, उस पर ज्यादा कलर आपको एकदम ब्लैक इंस्टेंट ब्लैक कलर ये प्रोवाइड करती है। नील पत्तियां जो है एकदम लीफ पाउडर की तरह ही होती है। तो आप अगर आपके पास नील की पत्तियां हैं तो आप उसको पीस लीजिए और पीस कर इस तरीके से फाइन पाउडर भी आप रेडी कर सकते हैं ये, लेकिन ये मैंने जो है मार्केट का लिया है। अब देखिएगा सेकंड इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें ऐड करूंगी, मेरे वाले हिबिस्किस फ्लावर का पाउडर। इस तरीके से ये देखिएगा हाफ टेबल स्पून आपको ध्यान रखना है, आप अपने बालों के अकॉर्डिंग इसको रेडी कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैं बता रही हूँ आप अपने बालों के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपको जो है नील पत्तियों का पाउडर ज्यादा इसमें ऐड करना है। हिबिस्किस जो है हमारे बालों को लंबा करता है, घना करता है, आपके बालों में झड़ने की प्रॉब्लम हो उसको भी दूर कर देता है। और हमने ले ली है दोनों चीज। अब देखिएगा अब हमें लेना होगा ये नींबू, और इसको मैं हाफ बीच में से कट कर लूंगी। कर लिया, अब आपको क्या करना है, एक कंटेनर ले लीजिए आप, उसमें आप इस हाफ नींबू को इस तरीके से डाल लीजिए और इस तरीके से आपको हाफ डाल लेना है। जब ये आपको बहुत डीप कलर प्रोवाइड करेगा इस तरीके से, और सीड से आप हटा लीजिए इसके, ये देखिएगा फ्रेंड्स। अब आप फ्रेंड्स आपको इसके अंदर जो है पानी ऐड कर लेना है, तभी आपको नींबू डालना है। नींबू आपको इसमें डायरेक्ट ऐड नहीं करना है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लूंगी इस तरीके से, ये देखिएगा इस तरीके से मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया। और इसको मैं जो है इतना मिक्स करूंगी अच्छा से, हमारा एक पेस्ट बनकर रेडी हो जाए इस तरीके से, ये देखिएगा फ्रेंड्स। और आपको ज्यादा थिक नहीं रखना है, ज्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। और जिस तरीके से आप मेहंदी अप्लाई करते हैं अपने बालों में, मेहंदी की एप्लीकेशन करते हैं, इसी तरीके से आपको इसकी एप्लीकेशन करनी है। और इसे आप जो है 15 मिनट के लिए रखा छोड़ दीजिए, तभी अपने बालों में लगाइएगा, बहुत अच्छे से आपको कलर प्रोवाइड करेगा। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको मिक्स कर देना, और इतना ही पतला रखेगा, देखिएगा मैंने ज्यादा थिक नहीं रखा है। अब आपको इसे अपने रूट से नीचे तक जहां जहां आपके व्हाइट हेयर है पूरे बालों में आपको लगा लेना है। फिर आपको जो है कवर आउट अपने बालों को करना है, पंखे के नीचे बिल्कुल मत सुखाइए, वेट ड्राई होने दीजिए। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे ही शैम्पू करना है, नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश करना है। आपके बाल जो है धीरे धीरे परमानेंट ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो रेमेडी अच्छी लग रही हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में जरूर से